अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लगा होगा, जिस तरीके से आपने थंबनेल में और जो है टाइटल में देख लिया है, तो मुझे एक भाई जो है ना वो मिल गए हैं। और कोई बंदे ने ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, दरअसल भाई ने मुझसे जो है ना वो खुद भी कॉन्टेक्ट किया और काफ़ी अच्छे जो है ना बातचीत हुई उनके साथ। और दरअसल एक चीज़ इनकी जो क्वालिटी है ना, कि इन्होंने थोड़ी चीज़ रखी हुई है लेकिन क्वालिटी की रखी हुई है। ये नहीं है कि 100 जो है ना वो बर्ड्स ला के रखे हैं, वो नहीं, गिनती के कोई मेरे ख्याल से इनके पास कोई 15-20 बर्ड हैं, लेकिन इतनी क्वालिटी की हैं कि आप उनको देख के आप कहेंगे कि वाकई जो है ना वो, अगर मेल का मैंने आपको एस्ट्रोलोब के अंदर बताया था कि क्या वज़न और क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो है। और सिल्की के अंदर जो मैंने क्वालिटीज़ बताई थी वो भी भाई के पास मौजूद है। एस्ट और इसके साथ साथ अयाम सेमानी के अंदर भी जो मैंने आपको बातें बताई थी ना, कि जो शाइन थोड़ा सा परों में हो लेकिन जो कलर ही हो वो बिल्कुल रफ़ से ब्लैक कलर में, उसके ऊपर शाइन नहीं होनी चाहिए, ज़ुबान काली होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पर रेड डॉट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इनकी जो है ना वो A to Z जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई थी वो हैं। अभी तो इनके माशाल्लाह से 6 महीने के पट्ठे पट्टी हैं, लेकिन इंशाल्लाह बड़े होकर आपको जो वो क्वालिटी शो करेंगे। दूसरा, बहुत सारे भाई जो है ना वो मुझसे ये बात कर रहे थे कि यार मुझे आप जो है ना कॉन्टैक्ट दें, कौन बंदा सेल कर रहा है, कौन बंदा जो है ना वो अच्छी ब्रीड सेल कर रहा है, तो उन लोगों के कॉन्टैक्ट बताएं। तो मैंने उनसे मासरत की थी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये भाई जो है ना ब्रीड्स लेंगे और आगे इनका सेल आउट करने का प्लान जैसे ही बनता है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना भाई का नंबर और इनका यूट्यूब चैनल जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इनके भाई का लिंक दिया हुआ है और जो कमेंट में जो है ना इनका मैंने कमेंट भी पिन किया हुआ है, ताकि वो टॉप पर है, आप लोग जो है ना फ़ौरन वहाँ पर क्लिक करके भाई के जो है ना वो चैनल पर चले जाएँ। तो चले इनके जो है ना चैनल पर आप जाके विज़िट करें, और मैं जो है ना फिर वीडियो से थोड़ा सा आउट हो जाता हूँ, ताकि आप लोग जो से जो डायरेक्टली है ना वो भाई बात कर सकें। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम उमर है और मैं फैसलाबाद समुंदरी रोड पे बर्ड्स का छोटा सा शॉट और उनका थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया हुआ। अब्दुल्ला भाई तो मुझे जानते ही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे भी शेयर कर दें, तो आए आपको आज फिर हम अपना एक छोटा सा शॉट दिखाते हैं। मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में है, पर मेरे पास बर्ड्स टोटली क्वालिटी में है। मेरे पास क्वालिटीज़ में मेरी बर्ड की क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन है मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े से शौक किया, मैंने ज़्यादा वो ऐसा नहीं किया कि ज़्यादा सारा परचेज करके ज़्यादा सारा बड़ा फार्म बना लिया। उसमें आपकी स्ट्रगल भी ज़्यादा है, वर्कआउट भी ज़्यादा है, और आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा आता है, इसीलिए मैंने थोड़े रखे हैं लेकिन अच्छी नस्ल के रखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये मेरे पास है, मेरे करीब में आ गया, ये ऑस्ट्रोलोब में आपको दिखाता हूँ। ये 10 मंथ का मेल है, 4.5 kg से ज़्यादा इसका वेट है, ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पीछे वो फिर रहा है। साथ में उसकी 2 फीमेल है, ये एक पेयर है मेरे पास पूरा का पूरा, एक फीमेल इसके साथ 8 मंथ की है, और एक ये फिर रही है इसके साथ, ये छोटी 6 मंथ की, लेकिन एग लिंग पे हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह अंडे वगैरह देती हैं, ठीक है। इनके हैच वगैरह हमने अपने इनक्यूबेटर में सेट किए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद मेरे पास ये RIR, ये देखें, ये RIR का मेल है, मैक्सिमम 7th मंथ का ये मेल है, उसके साथ ये इसकी 3 फीमेल्स फिर रही हैं, ये देखें, ये सेम मंथ के मेल मेरे पास बर्ड्स हैं, ये देखें। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ी सी क्यूट सी ब्रीड आ जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास क्वालिटी में ब्लू ईयर्स के इंपोर्टेड वाइट सिल्की, ये वाइट कलर में है, ये पेयर है पूरा एक, ये भी हमने थोड़ा सा किया हुआ है,
ये एक ही पेयर है हमारे पास खूबसूरत सा, और उसके बाद हम अपनी एक सबसे अच्छी, और तो फ्रेंड्स आखिर में ये मेरे पास सबसे अच्छी ब्रीड मेरी अयाम समानी, ठीक है, प्योर इंडोनेशियन ब्रीड है ये, ब्लैक टंग में मेरे पास इस टाइम 6th month की एज है इनकी। ये इसका मेल फिर रहा है, ये बाकी इसकी फीमेल्स हैं, ये देखें ये खुश फिर रही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस ब्रीड में धोखा भी खाया, जैसा कि अब्दुल्ला भाई बताते रहते हैं हमें कि किसी ने वो काली चाइनीज़ मुर्गी या आम से हमी बोल के सेल करती, और जो ये यूरोपियन है ये तो टोटली मिक्स ब्रीड में आ जाता है, हर मैक्सिमम सबको अब तक पता चल गया है। इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में काम करें पर अच्छी ब्रीड पे काम करें। अब ये मेरे पास जैसे इम्पोर्टेड में इंडोनेशियन अयाम समानी है, ये माशाल्लाह इस टाइम 6 month के हो चुके हैं, मैंने जैसे आपको बताया है, ठीक है। जैसा कि एक वो इसकी फीमेल फिर रही है, बाकी मेल फीमेल ये फिर रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन मंथ ये अपने अंडों पर भी आ जाएंगी, ठीक है। तो बाकी अब मेरा जो नेक्स्ट सीन है वो कुछ और अच्छी ब्रीडों पे रिसर्च करनी है, वो करके तो फिर जब वो बर्ड्स आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर उनको भी शेयर करूँगा, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिए। क्लोज करके देख लिया,
लगातार ये कुछ जो क्वालिटीज आपने इसके अंदर मुलायजा की, जो भी आपने जो है ना बातें भाई से सुनी होंगी और जो आपने ब्रीड का शो किया होगा, वो सारे क्लिप्स जो है ना वो ऐड करने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये पता लग सके कि यार ये जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ये चीज़ें, ठीक है। और कश्मीरी आस्ट्रोलोप और यूरोपियन ब्लड लाइन के आयाम से मानी, यार ये बहुत सारी एक लोगों को बस लुभाने के लिए बातें की जाती हैं कि भाई वो वहाँ से आई है। अब मैं लेट्स सपोज एक बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरी जो है ना वाइफ भी अगर पाकिस्तानी है, तो वो अब अगर जाते हैं ब्रिटिश में चले जाते हैं, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, जब मेरे बेटे या बेटियां जो भी औलाद होगी, तो अब आप उनको ये नहीं कह सकेंगे कि यार वो अमरीकी हैं या वो ब्रिटिश हैं या इस तरीके से, तो वो टोटली जो है ना एक डिफरेंट सिनेरियो पेश किया जाता है। मेरे बच्चे अगर पाकिस्तानी, मैं अगर पाकिस्तानी होऊंगा तो मेरे बच्चे भी पाकिस्तानी होंगे, ठीक है। जब बच्चे पाकिस्तानी होंगे तो यही चीज़ आप जो है ना याम सिमानी और डिफरेंट ब्रीड में भी कहा करें। अब एस्ट्रोलोप अगर ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है तो उसको आप बोलें एस्ट्रोलोप या ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ठीक है। अगर शामू जो है वो जापानीज ब्रीड है तो आप उसको कहें कि ये जापानीज है, ना कि ये कहें कि ये यूके ब्लड लाइन का है, ऑस्ट्रेलियन ब्लड लाइन का है, या फिर जो कुछ लोग जो आगे जर्मन ब्लड लाइन भी बोलते हैं। तो यार इन चीज़ों को आप तमाम जो है ना धोखे में आने से बच जाएं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो आएगी कि किस तरीके से ऑनलाइन धोखे से बचा जा सकता है अगर आपने ब्रीड और नस्ल लेनी है किसी से, ठीक है। तो मुझे आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ मान ला। With the numbers, with the numbers.